सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं इटालियन ट्रैक फोकस बाइक के बारे में, जो है DSK Benelli 302R। बहुत 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 खूबसूरत बाइक बनाई है Benelli ने, क्योंकि ये पहली ट्रैक फोकस बाइक है। लाइक ट्रैक फोकस तो नहीं कहूँगा उसमें, फुल कवर बाइक कह सकता हूँ, क्योंकि पहले नेकेड बाइक्स बनाती थी लाइक TNT 300 या TNT 600, तो उसके कंपेयर बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। अब बात करें उसके इंजन स्पेक्स के बारे में, जो है 4-stroke 8-valve DOHC सेटअप, वाटर कूल्ड इनलाइन 2 सिलेंडर, एंड जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी है 300 cc, एंड इसकी पावर है 38.8 bhp, एंड टॉर्क है उसका 26.5 Nm। बात करें उसके जो मेन कंपटीटर्स रहेंगे वो है निंजा 300 कावासाकी की ओर से, एंड KTM RC 390। RC जो है काफ़ी चीप है, लाइक थोड़ा सा अराउंड 1 lakh का फ़र्क होगा, जिसकी प्राइसेस अराउंड 3,48,000 रुपीज़ एक शोरूम है यहाँ जलंधर पंजाब में। सो लाइक मेरे हिसाब से तो यार एक लाइक थोड़ा सा लाइक निंजा के हिसाब से देखो तो बहुत बढ़िया बाइक है। अगर मैं RC के हिसाब से बात करूँ, क्योंकि जो पावर एंड टॉर्क RC की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 302R, तो उसके लिए एग्रेसिवली प्राइस होनी चाहिए थी। ये मेरा माइंड सेट है, जो मेरे को एक पॉइंट लगा जो मेरे को हाईलाइट करना चाहिए था। एंड बात करूँ इसके लाइक लुक्स के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 150 mm, बहुत ही अच्छा है लाइक इन सिटी ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से। एंड जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 17 liters, ये इसका लोगो। बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर में, जो पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग है। जो RPM मीटर है इसमें, जो डिजिटल में स्पीडोमीटर वगैरह चीज़ें दिखाता है, एंड इसके इंजन किल स्विच एंड इमरजेंसी हजार्ड लाइट स्विच। आजकल की बाइकों में ये फीचर होना चाहिए, इट्स लाइक एक इमरजेंसी काइंड ऑफ फीचर है। आजकल लोग पॉश फीचर हो गए हैं, क्योंकि लाइक थोड़ा सा स्टाइल्स यूज में आता है, इसका स्टाइल होता है इससे। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है वो 6-speed गेयरबॉक्स है, एंड जो इसकी ड्राइव ट्रेन है वो चेन ड्राइव है। इसकी LED लाइट्स जो DRLs दे रखी हैं। एंड बात करूँ उसके जो फ्यूल सिस्टम है वो फ्यूल इंजेक्टेड है, एंड जो उसके डिस्क ब्रेक्स हैं, मतलब ऑल डिस्क ब्रेक्स है, एक फ्रंट में रियर में, फ्रंट में ड्यूल है, रियर में सिंगल है। आगे 4-pod कैलिपर्स दे रखे हैं, रियर में डबल पिस्टन पे कैलिपर्स दे रखे हैं। एंड सस्पेंशन की बात करूँ जो है 41 mm अपसाइड डाउन फोक्स, एंड रियर में है रियर स्विंग विद मोनोशॉक ऑब्जॉर्बर्स। बहुत ही अच्छा सेटअप है इंडिया के हिसाब से। ये जो व्हील्स हैं वो पिरेली के हैं, जो 110x70x17 inch व्हील्स फ्रंट के हैं, एंड रियर के 150x60x17 inch व्हील्स हैं। तो पिरेली के जाहिर से बात है तो बहुत ही अच्छी ग्रिप देगा ये। मुझे जो पिरेली की टायर्स की यही बहुत बढ़िया बात लगती है, ये ग्रिप बड़ी अच्छी देते हैं। एंड बात करें इसकी लेंथ वर्थ हाइट के बारे में, 2150 mm इसकी लेंथ है, 745 mm इसकी विड्थ है, एंड 1115 mm इसकी हाइट है। व्हील बेस बड़ा अच्छा लगा मेरे को, 1410 mm का। जो कर्व वेट था थोड़ा सा नाखुश हूँ, जो है 198 kgs, सो इट्स क्वाइट अ हैवी बाइक। लाइक RC बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही फ्रूगल बाइक है एज कम्पेयर टू दिस बाइक। जो इसकी प्राइसेस आपको मैं बताई चुका हूँ 3,48,000। आज आपको मैं सारे कलर शो कर रहा हूँ, जो है ये वाइट एंड रेड, एंड उधर खड़ा ब्लैक एंड रेड। मेरी ये बहुत सिंपल बाइक लग रही है वाइट एंड रेड में। लाइक जो अलग ही चार्म चाहिए ना आपको, तो डेफिनेटली गो फॉर सिल्वर एंड ग्रे, क्योंकि बहुत ही लाइक इतना एक अलग ही इंप्रेशन दिया उस बाइक ने मुझे। एंड जो इसकी टॉप स्पीड है वो क्लेम्ड है 170 km/h, जो अराउंड फ्यूल एफिशिएंसी होगी अराउंड 20-30 के बीच में होगी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि लाइक अभी नई लॉन्च हुई है, थोड़ा नहीं हुआ इसको। ये इसका ब्लैक एंड रेड कलर वेरियंट। बट इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, इसमें ABS अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है, तो उससे होगा कि लाइक थोड़ा सा सेफ्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बट ABS से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट एक लाइफ सेविंग फीचर है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि लोगों को अपनी लाइक राइडिंग अपने जो होता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ABS तो आपकी हेल्प कर ही देगा। जो इसका क्लच है वो काफ़ी लाइट है, एंड इसके जो इसके लीवर्स जो एडजस्टेबल भी हो जाते हैं, मिरर्स भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। एंड अब देखें इसकी आपको रियल लाइट्स दिखाता हूँ, टेल लाइट्स की, तो ब्यूटीफुल लुक है, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमा रही है। और जबकि इसकी टेस्टिंग में थोड़ा सा इसको हाई स्पीड पे लेके जाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि मतलब कितनी आप, किस आपको पसंद आई ये बाइक की नहीं।
एंड ये वीडियो मैं डी एस के बेनेली जलंधर में शूट कर रहा हूँ, यानी कि डीलर का आपको मैं नंबर आपको मैंशन कर दूंगा वीडियो के एंड में. एंड सो लेट्स नो फर्दर अवे, लेट्स गो टू टेस्ट ड्राइव. फर्स्ट डे मैं 302 आर चला रहा हूँ, जो इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर है, लाइक जो पिकअप है उसका बहुत बढ़िया. आर सी भी मैंने चलाई है, लाइक थोड़ा दोनों का इक्वली कह सकता हूँ. निंजा का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लाइक काफ़ी स्टेबल बाइक है और काफ़ी कंफर्टेबल है. लाइक पिलियन तो नहीं बैठा, मैं सोलो चला रहा हूँ. अब इसको टर्न करके देखते हैं कैसी है, कितनी ईजिली टर्न हो सकती है. बहुत ही आराम से टर्न हो गई है. तो अब तो थोड़ा सा इसको भी हाई स्पीड पर ले जाके देख रहा हूँ कि कैसी है, कितनी स्टेबल है बाइक. काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर है इसके ब्रेक्स भी, और थोड़ा सा काफ़ी हाई चली गई है. चलिए जी, इट्स गुड बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. बाय.